हेलो सो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे यूनिक और अनोखे कंटेंट्स पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको एक ही सुपर हीरो नेम के कई सारे हीरोज देखने को मिल सकते हैं, तो कन्फ्यूज ना होते हुए कहानी को एंजॉय करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराने सैंडमैन डॉक्टर मिडनाइट और मिस्टर टेरिफिक को और उनके जिंदगी के कुछ अनोखे और कुछ यादगार पल हमें दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ हमें जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका के कुछ सुपर हीरोज को ब्लैक लेटर्स के साथ लड़ते हुए दिखाया जाता है, उनके सारे इमोशनल स्पेक्ट्रम के साथ। और आखिरकार जब उनकी डेथ हुई थी और जहाँ पर डाउनलोड खत्म होता है उस ब्लैक लैंटर्न रिंग का, वहीं से आगे कहानी की शुरुआत होती है। और उसी के बाद न्यूयॉर्क सिटी में वो सारे सुपर हीरो जो कि मर चुके थे वो फिर से राइज हो चुके थे और उनसे लड़ रही थी जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका। और इसी दरमियान फ्लैश और एलन स्कॉट यानी कि ग्रीन लैंटर्न वहाँ पर आते हैं और उनसे एक लड़की पूछताछ करती है कि आखिरकार डैमेज कहाँ पर गया। लेकिन वो दोनों बताते हैं कि डैमेज को उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, वो भी अब एक ब्लैक लैंटर्न बन चुका है। और वहीं पर फ्लैश और एलन स्कॉट दोनों ही सारे ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे और साथ ही में वाइल्ड कैट भी, जहाँ पर एलन स्कॉट कहता है अभी जो लोग सुपरमैन ने मिस्टर टेरिफिक को दिए है उसके हिसाब से हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टार लैब्स में मिस्टर टेरिफिक साइको पायरेट और कालेल जो कि अर्थ 2 का था उसे इंस्पेक्ट कर रहे थे अपने टी स्पेयर्स की मदद से। यहाँ पर वाइल्ड कैट कहता है सुपरमैन ने ये जो कैरन के अल्टरनेट अर्थ वाला कालेल यानी कि सुपरमैन दिया है और दूसरा जिसका नाम है साइको पायरेट और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये क्या कर सकता है, उन दोनों को ही देखकर एक क्रेजी हॉरर फीलिंग मिल रही है। इस पर पावर गर्ल जो कि कालेल के अर्थ से ही बिलोंग करती थी और वो उसी अर्थ की सुपर गर्ल थी, इस वजह से वो कहती है वाइल्ड कैट अपनी जबान को लगाम दो, वो मेरा कजन है, उसके बारे में ऐसे बोलने से पहले तुम्हें कई बार सोचना पड़ेगा। इस पर वाइल्ड कैट कहता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तुम मेरे कहने का कुछ और ही मतलब निकाल रही हो। इस पर कालेल को देखते हुए कैरन कहती है कि देखो उन्होंने उसका क्या हाल कर दिया। इस पर मिस्टर टेरिफिक उसे समझाता है कि सुपरमैन और सुपर बॉय को अपने डिफेंड करते वक्त जो करना जरूरी था उन्होंने वही किया है। इस पर कैरन कहती है नहीं, मेरे अंकल अब डेड थे, मैं उन्हें फिर से डेड ही देखना चाहती हूँ, इन्हें रेजरेक्ट कर जिसने भी इनके साथ ये किया है मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली और वो इसके लिए सजा भुगतेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लैश आता है और अदे वो कहता है हमें किसी मिरेकल की जरूरत पड़ेगी। इस पर मिस्टर टेरिफिक कहता है तुम्हें पता है जे कि मैं इस सब में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हमें अभी लाइटनिंग की जरूरत है। और वो उससे कहता है हमें अभी ग्रीन लैंटर्न, लाइटनिंग और स्टार गर्ल की जरूरत पड़ेगी और डॉक्टर फेकी भी, समझ गए। और ये सुनते ही फ्लैश वहाँ पर ग्रीन लैंटर्न, लाइटनिंग और स्टार गर्ल को लेने जाता है और उन्हें बताने के बाद वो चला जाता है डॉक्टर फेट को लेने। यहाँ पर दूसरी तरफ अभी भी कुछ लोग ब्लैक लैंटर्न से लड़ रहे थे और यहाँ पर कैरन को एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ सुनते ही वो सबसे पहले कहती है हट जाओ, मैं ये आवाज़ पहचानती हूँ। इस पर वाइल्ड कैट कहता है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। इस पर वो देखती है कि एक औरत भागते हुए वहाँ पर आ रही थी और उसे देखते ही उसे बचाने के लिए वहाँ पर पावर गर्ल चली जाती है। और जब वो देखती है कि वो लुइस थी तब वो कहती है मुझे पता था कि ये तुम ही होगी। और तभी लुइस उसे देखते हुए कह रही थी कि मेरा हस्बैंड कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैमेज को जो कि कुछ सिविलियंस को मार रहा था और उसे देखते ही जूडो मास्टर और एटम स्मैशर कहते हैं तुम्हें क्या कर रहे हो ग्रैंड, उन्होंने तुम्हें भी अपने जैसा बना दिया। जिस पर डैमेज कहता है मेरे पापा मुझ पर बहुत फक्र करेंगे और मेरा ब्रदर भी, फाइनली मैंने वो किया जो कि मेरे नाम में था, मैंने लॉट्स ऑफ डैमेज किया है अभी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लैश डॉक्टर फेट को लेकर आ चुका था जहाँ पर वो कहता है ये रहा वन एंड ओनली केट नेल्सन, अब इसकी डिलीवरी हो चुकी है। और अंदर आते ही यहाँ पर डॉक्टर फेट उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर जल्दी आने वाला था लेकिन वेगस में मुझ पर ब्लैक लैंटर्न डॉक्टर फेट ने हमला कर दिया और इसके बदले में मैंने उन्हें आउटर स्पेस में भेज दिया, इसका मतलब कि वो कभी भी वापस आ सकते हैं, है ना। और इतना सुनते ही मिस्टर टेरिफिक कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और इसी के साथ वो अपनी लैब लॉकडाउन करता है। इस पर एलन स्कॉट पूछता है कि मिचेल क्या हुआ। इस पर मिस्टर टेरिफिक बताता है कि मुझे अभी रियलाइज हुआ टेरिस एलोन, उसे पता है कि हम क्या कर रहे हैं और वो हम पर नजर रखे हुए है, वो यहाँ पर जरूर आएंगे। और इतना सुनते ही एलन स्कॉट कहता है नहीं मिचेल तुम गलत हो, मेरे रिंग के हिसाब से वो अभी यहाँ पर आ चुके हैं। और तब हम देखते हैं कि स्टार लैब के बाहर वहाँ पर
ब्लैक लैंटर्स जमा हो रहे थे। किसी के साथ वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।